जय जगन्नाथ। सत्य दर्शन तृतीय विभाग विधि विधान परिसर को आपण मानक हार्दिक स्वागत। प्रिय अध्यात्म प्रेमी दर्शक बंधु, श्रीमद भगवत गीतार भगवान श्रीकृष्ण कहते मार्गशीर मसने मोर विभूति रही, अर्थात मस भितर मार्गशीर श्रेष्ठ। यही मास को भगवान श्रीकृष्ण बा श्री विष्णु स्वरूप भाव विवेचना करा जाए, किंतु माँ लक्ष्मी को बिना भगवान विष्णु अधूरा। सेथिपाई एही मासर सर्वाधिक महत्व प्रत्येक गुरुवार रे रही थाए, एवं गुरुवार दिन माँ लक्ष्मी को सहित भगवान विष्णु कर मध्य उपासना करा जाए। कुहा जाए कि एही मार्गशीर मासरे भगवान नारायण को सहित माँ लक्ष्मी पृथ्वी उपरे भ्रमण करिथांती। तेणु एही विशेष मासरे केतेक कथा प्रति गुरुत्व देबा निहाती आवश्यक। तेबे आसंतु एही मार्गशीर मास तथा मार्गशीर गुरुवार संक्रांत रे आज आपण मानक पई विषय रहिछि, मार्गशीर गुरुवार दिन कौन करिबा उचित ओ अनुचित। प्रिय सजन, मार्गशीर मास रे प्रत्येक व्यक्ति निजर घर द्वार सफा सुतरा रखिबा उचित। विशेष करी गुरुवार दिन घर द्वार सफा ओ पवित्र रखिबा आवश्यक। एही मासरे जेऊं घर सफा सुतरा थाए सही घर को माँ लक्ष्मी एवं भगवान नारायण आनंदर सहित प्रवेश करिथांती, जद्वारा घरे वर्ष तमाम अभाव अनाटन रहे नाही। मार्गशीर मासर गुरुवार दिन सकाळु स्नान सारी पूजास्थळरे एक चौकी अथवा खटुली स्थापन करी सेथिरे एक लाल वस्त्र बिछाइबे। एहा उपरे माँ लक्ष्मी ओ नारायणकर प्रतिमा स्थापन करिबे। तापरे एक पूजा कलश बसाई पुष्प धूप दीप आदि जलाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र उच्चारण करी यथाविधि रे पूजा करिवे। पूजा रे माँ लक्ष्मी को गाई क्षीर एवं नारायण को गुड़ और चना भोग लगाइबे। एही परि भाव रे लक्ष्मी नारायण को पूजा कले अपार कृपा प्राप्ति हेबा सहित धन धान्य रे घर पूरी उठे एवं दुख संकट रु मुक्ति मिलिबा सहित मोक्ष प्राप्ति होइथाए। मार्गशीर मासर प्रत्येक गुरुवार दिन विष्णु सहस्र नाम श्रीमद भगवत गीता एवं श्रीमद भागवतर गजेन्द्र मोक्ष एही तीनोटी विषय अवश्य पाठ करिबा उचित। एही दिन माँ लक्ष्मीकर पादचिन्ह अंकन करिबा एवं घरर मुख्य द्वाररे पादचिन्हर चित्र लगाइबा शुभ होइथाए। मार्गशीर गुरुवार दिन माँ लक्ष्मीकर पूजा करिबा सहित तुलसीकर मध्य पूजा करिबा उचित। एही दिन संध्या समयरे तुलसी चौरा मूले दीप जाळीबा जरूर आवश्यक। एही दिन घरर चौकाठ अर्थात द्वारबंध उपरे दीप जळाइबा मध्य शुभ होइथाए। मार्गशीर गुरुवार रे निजर गुरु अथवा इष्टदेवंकु ओम दामोदराय नमः कहि प्रणाम करिबा उचित। एहा द्वारा जीवनरु सबु प्रकार बाधाबंधन अवरोध आदि दूर होइथाए। प्रत्येक घरर महिला माने एही मासर बुधवार दिन घर द्वार को लिपापोछा और सफासफी करी ता पर दिन अर्थात गुरुवार दिन पूर्ण निष्ठार सहित देवी लक्ष्मीकर उपासना करिबा उचित। समस्तंकर घरे माँ लक्ष्मीकर माणवसा पूजा करिबा आवश्यक, मात्र अनेकंक घरे माणवसा पूजा करि नथंती। घरे माणवसा हेउ बा न हेउ घरर महिला माने मार्गशीर गुरुवार दिन निज घरर मुख्य द्वार घर अगणा वृंदावती तथा ठाकुर घरे चाउल चूनार घोल द्वारा झोटी चिता आदि आंकिबा उचित। एहा द्वारा माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होई अपार धन सम्पत्ति प्रदान करिथांते। शास्त्र रे कुहा जायछि मार्गशीर मास गुरुवार रे जेकोनसी पवित्र नदी रे स्नान करिवार विशेष महत्व रहिछि। भगवान श्रीकृष्ण गोपी मानकु एही मास रे जमुना नदी रे स्नान करिबाकु कहुथिले। एही स्नान द्वारा सबु प्रकार कामना सहज रे पूर्ण होइथाए। मार्गशीर गुरुवार दिन गाई को गुड़ और चणारे सामान्य हलदी मिसाई खाइबा को देबा उचित। एहा द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होइथांती। एही दिन गाई मथारे हलदी कुंकुम और अक्षत तिलक लगाई पूजा कले जीवनरु सबु प्रकार समस्या दूर होई जाए। एही गुरुवार दिन रे पूजा सामग्री चंदन मयूर पंखा आसन तुलसी माला जल कलश पीतांबर वस्त्र दीप
ଦେବ ପ୍ରତିମା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଦିନ ଗରିବ, ଅନାଥ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳକାରକ ହୋଇଥାଏ। ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜର ଗୁରୁ, ମାତାପିତା, ଗୁରୁଜନ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, କନ୍ୟା ଆଦିଙ୍କୁ ଅନାଦର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହିଦିନ କାହାରିକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା କିମ୍ବା ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଶୁଣିବା ଅନୁଚିତ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବା ନିଷେଧ। ଯଦି ବା କେହି କଥା କଥାରେ ଭୁଲ କରିଦିଏ, ଏହି ଦିନରେ ଗାଳିବନ୍ଦ କରିବା କି କଥା ବଢ଼ାଇବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ବାରରେ ମାଛ ମାଂସ, ମଦ୍ୟ ବା ତାମସିକ ଆହାର ଆଦି ସେବନ କରିବା ନିଷେଧ। ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଳସ୍ୱରୂପର ପୂଜା କରିବା ସହିତ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ, ମୟୂରପଙ୍ଖା, ଲହୁଣୀ, ମିଶ୍ରି ତଥା ମିଠାଇ ଅବଶ୍ୟ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏଥିସହିତ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ମାସରେ ଶଙ୍ଖ ପୂଜା କରିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଶଙ୍ଖରେ ତୀର୍ଥଜଳ ଭରି ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ମାସରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଶଙ୍ଖ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଶଙ୍ଖରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଭରି ଘରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଓମ୍ ଶଙ୍ଖାୟ ନମଃ କିମ୍ବା ଶଙ୍ଖ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରି ଡାହାଣ ପଟୁ ଚାରିଦିଗକୁ ବୁଲିବେ। ତାପରେ ସେହି ଜଳକୁ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥରେ ଛିଟା ମାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, କ୍ଲେଶ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ସଜନ, ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ଏହିସବୁ ଉଚିତ ଓ ଅନୁଚିତ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପାଳନ କରିପାରିଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ସହିତ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଅବଶ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି କଥା ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସୁଖଶାନ୍ତିର ସହିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ଦେଉଛି। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।